हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, यहां पर भी बेल आइकन क्लिक करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आया था, अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पर दे दिया है। तो चलिए फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड संडे के दिन का हमारा पहला वीडियो तो आप सभी लोगों को पता ही है। यस, आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, ठीक है। कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो कि बाजार को ऊपर लेके जा सकते हैं, एंड कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि बाजार को नीचे दबा सकते हैं, उनका जिक्र हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले दो फॉर्मेलिटीज़ के साथ। क्या बाजार पूरे पाँचों के पाँचों दिन बिना किसी रुकावट के चलेगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हो अक्टूबर मंथ में 2 छुट्टियाँ हैं, तो उसमें से 2 अक्टूबर तो हो गया, तो अभी बचा क्या 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर इस हफ्ते तो आने वाला है नहीं, तो क्या समझ में आ रहा है? यस, पांचों में से पांचों दिन बाज़ार बिना किसी रुकावट के यहाँ पे चलने वाला है। नेक्स्ट अभी बात करेंगे दोस्तों कि बाज़ार का माहौल क्या कहलाता है। तो अगर हम लोग बाज़ार के माहौल की बात करें तो पिछले 5 जो ट्रेडिंग डेज रहे हैं वहाँ पर आप देख सकते हो पहले जो हाफ रहा था, पहले हाफ मतलब किस चीज़ की बात हो रही है, हफ्ते की। तो पिछले हफ्ते की अगर बात करें उसमें जो पहला हाफ जो यहाँ पे रहा था वहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेयर वालों का पकड़ अच्छा था, मतलब वो बाज़ार को नीचे लेके जा चुके थे, बट बाद में बुल वालों ने उतना ही हम लोग को रिकवरी के साथ बाज़ार को वापस यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया। एंड इस चीज़ के चलते ओवरऑल आउटकम कितना निकला, तो पिछले हफ्ते 0.5% के आसपास बाज़ार हरे निशान में देखने को मिला। इसमें अच्छी वाली बात ये रही कि 19,500 का लेवल जो कि बियर गैंग्स ने तोड़कर उसके नीचे वो लेकर गए थे सक्सेसफुली, बट वापस बुल की वापसी हो गई और उन्होंने 19,500 के ऊपर बाज़ार की क्लोजिंग कर दी। ये एक अच्छा बात हम लोग को पिछले हफ्ते देखने को यहाँ पे मिला था, वरना देखा गया तो कोई बहुत एक्सट्रीम तेज़ी देखने को नहीं मिली और गिरावट तो रही नहीं, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें पिछले फ्राइडे की ही बात करें तो अमेरिकन बाज़ार में लगभग 1% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, बट उसके बाद अगर हम लोग बात करें कल के दिन सैटरडे के दिन की बात करें, एक आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक हमें मिल गया, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है हम कौन से टॉपिक की बात करें, हम लोग बात करें इसराइल। यस, इसराइल पैलेस्टाइन हमास की अगर हम लोग बात करें तो ये जो वॉर अभी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बहुत पुराना है, बट जिस प्रकार से जो अभी अटैक इसराइल के ऊपर हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, सो सिचुएशन बहुत ही बैड टू वर्स्ट होते हुए देखने को मिल चुकी है। इसराइल ने तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी है कि वो मतलब वॉर डिक्लेयर कर चुके हैं, एंड उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे ये देखिए 300 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। सो डेफिनेटली ये नंबर और भी बढ़ने के चांसेस है जिस प्रकार से हमास ने ये जो अटैक किया है इसराइल के ऊपर। तो ये फिलहाल तो जैसे कि मैंने कहा कि ये नंबर बढ़ने की शक्यता और भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। एंड फिलहाल तो इसराइल ने वॉर डिक्लेयर किया, एंड आपको पता ही इसराइल जब भी वॉर डिक्लेयर कर देता है तो बहुत ही एग्रेसिवली हम लोग को अटैक करते हुए देखने को मिल जाता है। एंड हमास को भी ये सारी चीज़ें पहले से ही पता है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, कुछ जो प्रिजनर्स भी रहते हैं इसराइली प्रिजनर्स की बात करें, कुछ सिविलियन हैं, कुछ सोल्जर्स भी हैं, उनको कैप्चर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों ये जो सिचुएशन है इतना इजीली मतलब डील होने वाली है नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, तो जितना ये लंबा खींचेगा आपको पता ही है। मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, क्रूड ऑयल। यस, ये पूरा इकोनॉमिकली ही सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो क्रूड ऑयल के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरी दुनिया की नज़र इसी के ऊपर लगी हुई है, क्रूड ऑयल एंड उसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया। तो इसराइल एंड सऊदी की तो पहले से ही बनती नहीं थी, बट बीच में हम लोगों ने देखा था कि थोड़ा थोड़ा मतलब एकदम थोड़ा सा रिलेशन अच्छे करने की कोशिश अमेरिका प्लस इंडिया, मतलब हमारे ही देश की यहाँ पे बात करें G20 में भी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से पोर्ट से रेल से जो सारा बिजनेस होने वाला था, जो कि रेल यूरोप तक जाने वाला था, तो इसके बीच में सऊदी एंड इसराइल को एक साथ लेकर वो आगे बढ़ने वाले थे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मतलब उम्मीद की किरण देखने को मिल रही थी, उसके बीच में ही ये चीज़ें स्टार्ट हुए, एंड यही है इसके पीछे का रियल रीज़न है कि ये चीज़ें ठीक होनी नहीं चाहिए। इसराइल एंड अगर सऊदी एक दूसरे के साथ अगर बिजनेस रिलेशनशिप में अगर आ गए अच्छे तरीके से तो ये कॉन्फ्लिक्ट धीमे धीमे करके शांत भी यहाँ पे हो सकता है, एंड इसी चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी हम लोग ज़्यादा जियोपॉलिटिकली नहीं जाएंगे, बट बताने का मकसद क्या है, यस, ये जो सिचुएशन है इस चीज़ के चलते क्रूड ऑयल सऊदी के ऊपर फोकस रहेगा कि सऊदी क्या एक्शन लेता है, क्या चीज़ें वो यहाँ पे चेंज करेगा, क्रूड ऑयल से रिलेटेड अपने प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई बातें बदल देगा, तो ये देखना एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। क्योंकि अगर क्रूड ऑयल में कुछ भी प्लस माइनस हो जाता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर यहाँ पे
आ जाएगा। सो रशिया यूक्रेन में भी हम लोगों ने यही चीज़ें देखी थी, क्योंकि रशिया देखा गया तो दुनिया का 1/10 क्रूड ऑयल से रिलेटेड बिजनेस यहाँ पे करता है, तो इसीलिए रशिया यूक्रेन वॉर भी इंपॉर्टेंट था। एंड अगर फिलहाल देखा गया तो फाइटिंग तो हो रही है इसराइल साइड पे, बट सऊदी से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड सऊदी जो भी फैसला लेगा उसके चलते क्रूड ऑयल जिस प्रकार से फ्लक्चुएट होगा मार्केट के ऊपर, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिसके ऊपर पूरे बाजार का फोकस रहेगा। एंड इसमें अनसर्टेनिटी भी है, करेंगे नहीं करेंगे, क्या होने वाला है, नोबडी नोज। देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर, कि इस हफ्ते की इन्फ्लेशन, ठीक है अभी देखा गया तो इसराइल की ओर ही ज़्यादा फोकस रहेगा, बट इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी हमारा प्रॉब्लम तो है ही, ठीक है। एंड इन्फ्लेशन से रिलेटेड बात करें तो CPI का डेटा इसी हफ्ते आने वाला है, यस 12 अक्टूबर को डेटा आने वाला है। कौन से मंथ का आएगा, ऑब्वियसली उसका प्रीवियस मंथ कौन सा था, सितंबर, ठीक है सितंबर ही कंप्लीट हुआ है ना, अक्टूबर तो चल रहा है तो अक्टूबर कंप्लीट हो जाएगा तो आगे जो नवंबर आएगा तभी अक्टूबर का डेटा आ जाएगा। सो इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो CPI का भी डेटा आ जाएगा। एंड ये कौन सा डेटा रहेगा, यस ये सितंबर का डेटा रहेगा, मतलब हमारे पास पूरे क्वार्टर टू का भी इन्फ्लेशन का क्या आउटकम आया है वो भी डेटा हम लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा। इसके पहले की अगर हम लोग बात करें कैसा रहा परफॉर्मेंस, 7.44 का इन्फ्लेशन हम लोगों ने देख लिया, 6.83 का देख लिया। सो इस वक्त कैसे आएगा वो एक देखने वाली बात होगी। एक्सपेक्टेशन की जा रही है, फोरकास्टिंग कितना है, 5.45, ठीक है हकीकत में कितना आता है वो तो देखने वाली बात होगी। अभी RBI ने जो प्रेडिक्शन दिया था MPC की बैठक ने, वो तो मेरे समझ से मतलब बाहर ही है, वो कुछ तो 6.2 या फिर 6.4 बोला था पूरे Q2 का, ठीक है। उसके लिए अगर RBI ने जैसा बोला है वैसा होने के लिए समवेयर अराउंड इन्फ्लेशन 4.9394 के आसपास आना चाहिए। इतना नीचे जाएगा, 5 के नीचे चांसेस बहुत ही रेयर नज़र आ जाते हैं, ठीक है। सो ये देखने वाली बात होगी, RBI का प्रेडिक्शन तो मुझे तो नहीं लगता अचीवेबल है करके, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट रहने वाला है, इसके चलते भी बाजार में अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रखा जाने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें Q2 के रिजल्ट, यस दोस्तों रिजल्ट तो स्टार्ट हो चुके हैं, बट असली जो सीजन है Q2 के रिजल्ट का इसी हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज खास करके Nifty 50 वाली कंपनीज के नंबर्स आना स्टार्ट होने वाले हैं। शुरुआत करेगा बड़ी कंपनी की बात करें तो TCS जो कि IT सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, ठीक है। तो इनका जो इम्पैक्ट रहता है दोस्तों वो बाकी IT स्टॉक्स के ऊपर भी रहता है, एक अनुमान मिल जाता है कि कैसा रहा बिजनेस करके, तो फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाता है। IT सेक्टर इंडेक्स में लगभग सेकेंड पोजीशन पे देखने को मिल जाता है जो कि वेटेज देता है। तो Q2 के जो रिजल्ट रहेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करने वाले हैं, एंड इसकी शुरुआत इसी हफ्ते से हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे एक ऐसा मुद्दा जो कि हम लोग शायद से बहुत सारे लोग भूल भी चुके होंगे, अदानी हिंडनबर्ग सुप्रीम कोर्ट। यस यहाँ पे तो देखा गया तो तारीख के ऊपर तारीख ही चल रहा है, बट ये तारीख करके जो नेक्स्ट तारीख यहाँ पे दी जा चुकी थी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 13th October, मतलब इसी हफ्ते का शायद से फ्राइडे 13th October फ्राइडे देखने को मिल रहा है, तो उसकी सुनवाई हम लोग को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में होती हुई देखने को मिलने वाली है। कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, ठीक है। जो अपोजिशन मतलब जो वकील अगर हम लोग बात करें, उन्होंने तो SEBI के ऊपर ही आरोप लगा दिए कि प्रॉपरली जांच नहीं कर रहे करके, ठीक है। प्लस वो जो एक्सपर्ट कमेटी थी 6 पैनल की, तो वो भी देखा गया तो बायस थी, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। प्लस देखा गया तो नई कमेटी फॉर्म होनी चाहिए, ये भी एक उन्होंने प्रस्ताव रखा हुआ है। एंड प्लस SEBI का जो इन्वेस्टिगेशन वाला रिपोर्ट था 22 या 24 पॉइंट वाला, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या इस हफ्ते तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें कंप्लीट होकर चीज़ें सामने आएगी, तो ये देखने वाली बात होगी। वैसे तो अंदर से सबको पता ही है कि क्या होने वाला है करके, एक और तारीख आ ही जाएगी, क्योंकि मसला इतना इजीली हल होने वाला है नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड मार्केट के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा भी है, एंड इस चीज़ के चलते यस बैंक निफ्टी में हम लोगों को अच्छा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए हिंडनबर्ग से रिलेटेड ये जो खबर है ये भी फ्राइडे के दिन इसके ऊपर भी अच्छा फोकस रहेगा, बट जैसे मैंने कहा चांसेस हाँ वही नेक्स्ट तारीख की ही यहाँ पे रहेगी। बट फिर भी SEBI से रिलेटेड कोई खबर आती है क्या वो अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करके देती है क्या, ठीक है, ये एक देखने वाली यहाँ पे बात होगी। प्लस वो SEBI के ऊपर आरोप लगाए, 2014 का केस था DIRA वाला, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बहुत कुछ पॉलिटिक्स चलने वाला है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे FISDS एक्टिविटीज़, FIS तो लगातार बिकवाली ही कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते लगभग 8,500 करोड़ की बिकवाली अक्टूबर में हो चुकी है। DIIs ने कितना खरीदा है, 4,500 करोड़ के आसपास। तो देखा गया तो FIS लगातार बिकवाली यहाँ पे कर ही रहे हैं, एंड फिलहाल का जो माहौल है वो शायद से FIS को क्या कर सकता है, और भी बिकवाली करने के लिए फेवरेबल हो सकता है। नेक्स्ट क्रूड ऑयल, ऑब्वियसली इसी के ऊपर फोकस रहने वाले, बहुत सारे फ्लक्चुएशंस भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि सऊदी क्या फैसला यहाँ पे लेगा, उस हिसाब से क्रूड के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर एक्सट्रीमली अगर कोई इंपैक्ट पड़ जाता है, मतलब बहुत ही अगर ज़्यादा तेजी आ जाती है, 100 के ऊपर चला जाता है, देन माइट बी डेफिनेटली हमारे बाजार के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर उसका नेगेटिव असर देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो डॉलर डॉलर लगातार यहाँ पे मजबूत ही हो रहा है, 83 का बेस लेकर अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और जिस पोजीशन पे है माइट बी क्रॉस 84 ऑल्सो, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो गोल्ड है उसका भी प्राइस नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है, 60 के नीचे फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बट डरने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, अच्छे इक्विटी में और गोल्ड में किया हुआ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही दे देता है। एंड देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे आखिरी पॉइंट की बात करें, कौन सा, ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन में तो दोस्तों एक ही चीज़ है, 19500 का लेवल। हर एक लेवल रहता है वो इंपॉर्टेंट होता है, अगेन कहना चाहूँगा कोई भी लेवल परमानेंट नहीं होता है, चाहे वो सपोर्ट की बात करें रेसिस्टेंस की बात करें, जिस साइड पे खबर आ जाती है उस हिसाब से वो लेवल खतरे में आ जाता है, ठीक है। अभी रेसिस्टेंस की क्या ही बात करें, यहाँ पे सपोर्ट की ही बात होगी, तो 19500 का लेवल पिछले हफ्ते भी इंपॉर्टेंट था, टूट गया था, बट यस वापस उसको रिगेन कर दिया गया। इस वक्त की अगर बात करें तो बियर वालों के पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल खबर यहाँ पे है, जिस चीज़ के चलते क्या वो 19500 का लेवल ब्रेक करने में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, यही देखने वाली बात इस हफ्ते की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली यहाँ पे रहने वाली है। तो देख लेते हैं क्या होता है करके। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसके चलते आप शेयर बाजार के बेसिक्स आसान भाषा से सीख सको, जान सको। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।